जीवन में कैसे रहना चाहिए, जिससे कि गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाए। ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम की निंदा करते रहते हैं। लोग कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं वो भी कहते हैं, अरे क्या करें, गृहस्थी में फंस गए, बहुत झंझट है। हर आदमी गृहस्थी की बुराई करता है, लेकिन हर आदमी का जन्म गृहस्थी में ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य हो सकता है, आज बड़ी मार्मिक बात बताएंगे। ये क्वेश्चन नीतिकार चाणक्य से पूछा है, किसी भक्त ने पूछा है, महेश मीणा, ध्यान देना। चाणक्य एक बहुत बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है। जो अधिक बुद्धिमान होता है उसको लोग कहते हैं कि यह चाणक्य बुद्धि है। और चाणक्य के खोपड़ी में बहुत मोटी चोटी लगी रहती थी, और कहते हैं चोटी एंटीना का काम करती है। जिसके चोटी लगी हो उसकी विशेष बुद्धि काम करने लग जाती है। और महिलाओं की तो पूरी खोपड़ी में बाल लगे हैं, चोटी क्या, पूरा चोटा लगा है, फिर भी बुद्धि काम करती नहीं। चोटी से बुद्धि का कोई रिश्ता है, क्योंकि अगर मैं चोटी की ज्यादा सराहना कर दूं तो अगले साल होऊंगा तो सबके चोटी दिखाई देगी, चोटी हो या ना हो। लेकिन आपका मन और मन की सोच उच्च कोटि की होना चाहिए, उच्च कोटि की होना चाहिए, तो बिना चोटी के ही तुम बुद्धिमान बन जाओगे। चाणक्य कहते हैं, शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। मैंने कल भी बताया था कि दो मुख्य आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बीच के दो आश्रम और हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम की तैयारी का आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम की भी तैयारी का आश्रम है, पूरे जीवन की नींव है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य एक शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक पावर है, ब्रह्मचर्य एक तेज है, ब्रह्मचर्य एक शांति की तपस्या है। नर हो या नारी हो, जिसमें ब्रह्मचर्य का तेज होता है वो बिना कारण ही खुश रहा करता है। विद्यार्थी को शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, ब्रह्मचर्य से मुखमंडल पर तेज चमकता है, और ब्रह्मचर्य से आपकी वाणी ओजस्वी बनती है। ब्रह्मचर्य से तुम्हारी आंखों में भी तेज आ जाता है। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है, संत के लिए तो ब्रह्मचर्य उसकी साधना का प्राण है। जिस संत का ब्रह्मचर्य कमजोर है वो संत ऐसे है जैसे कोई मुर्दा हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही साधना की जान होता है। और केवल शरीर से ब्रह्मचर्य नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आंखों से भी त्याग होना चाहिए, श्रवण से भी त्याग होना चाहिए, वाणी से भी त्याग हो, धन्य हो। पटेल साहब, हमारे पटेल साहब खुश हो गए, बद्रीलाल पटेल चाठा जागीर वाले,
इस सत्संग को सुनकर 100 रुपया दान दे गए कि बस 100 रुपये दे दूंगा, नाश्ता कर लेना। कभी कभी लोगों के दिल में सत्संग छू जाता है तो मन में सोचते कुछ दे देता हूं, ऐसा हो जाता है। दान गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जहां भगवान का भी जन्म होता है। ये माताएं बहनें वह नारायणी की शक्ति है जो भगवान को, संत को, ऋषि मुनि को, नेता को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी जन्म देती है। प्रत्येक नर नारी, बच्चा बच्ची, एक नारी जो माँ का रूप लेती है उसके गर्भ में हर आत्मा 9 महीने विश्राम करती है। माँ के शरीर का जो हड्डी है, मांस है, रक्त है, उसके शरीर से ही एक नए शरीर का निर्माण होता है। इसलिए माँ का स्थान बहुत ऊंचा स्थान बताया गया है। धरती को माता कहा गया है, लेकिन जननी माता को धरती माता से भी अधिक बड़ा माना गया है, क्योंकि धरती माता जन्म लेने के बाद अन्न के द्वारा, फल के द्वारा हमारे जीवन को शक्ति देती है। पर जननी माता तो अपने पेट के अंदर 9 महीने रख करके हमें, आपको एक नया जीवन प्रदान करती है, नया जीवन प्रदान करती है। इसलिए मां को दुख मत देना, तुम शराब पियोगे मां को दुख होगा, पिता को दुख होगा, भाई को भी दुख होगा, तुम जुआ खेलोगे तुम्हारी पत्नी मां सभी को दुख होगा, तुम आलस्य करोगे पूरा परिवार दुखी होगा, तुम क्रोध करोगे तो भी परिवार का हर सदस्य दुख में डूब जाएगा। पुत्र और पुत्री को बहुत संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने, जिस पिता ने तुमको जन्म दिया है वो ये तो चाहते हैं कि जो मेरा नाम मैं नहीं कर पाया तो मेरी संतान के द्वारा मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, बड़े अफसर बनो, कलेक्टर बनो, डिप्टी कलेक्टर बनो, एसपी बनो, थानेदार बनो, बड़े संत बनो, महान संत बनो, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बनो, मीरा सेवरी जैसी भक्ति करो, तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा। प्रहलाद जैसा पुत्र ना होता तो हिरण्यकश्यप को कौन जानता, राम जैसा पुत्र ना होता तो महाराजा दशरथ का शायद इतना नाम ना होता। ऐसे पुत्र बनो, ऐसी पुत्री बनो कि अपने मां बाप का यश भी चारों दिशाओं में फैला दीजिए, तुम्हारे क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे प्रभाव से बढ़ना चाहिए। जहां रहो वहां विशेष अच्छा करो, बेटी हो ससुराल जाओ तो ससुराल में तकरार ना करो, ससुराल में जो कुछ है हंसते हंसते उसे स्वीकार करो, जो पसंद नहीं है उसे सुधार करो, और जो भी कम ज्यादा है उसी में अपने आप को एडजस्ट करो, झगड़ा मत करो। कितनी बेटियां बहुएं जाकर जब बहू का रूप धारण करती है तो ससुराल में महाभारत प्रारंभ करती है। सबसे पहले अपने पति को ऐसा परम ज्ञान का पाठ पढ़ाती है और कहती हैं इसको पढ़ाने में 2 साल लग गए तब ये पढ़ पाया है, ये तोता, ये पोपड़,
ये मूर्ख 2 साल में हमारे दिमाग का काम कर रहा वो कितने पति देव भी ऐसे हैं, विवेक करते ही नहीं, उल्टा पलटा काम है। कैसे तुम पति देव कहलाओगे? पति देव शब्द बहुत बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द नहीं। कितने पति पत्नी शादी का अर्थ ही नहीं समझते, बस इतना समझते शादी हो गई, इंद्रियों के भोगों को भोगते रहो, बस इतना ही काम। नहीं, तुमको आने वाले भविष्य के लिए देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसी, महाराणा प्रताप जैसी वीर संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी मिली हुई। कोई संत कबीर तुलसीदास, कोई महान संत को अवतार देने के लिए तुम मां बनने की तैयारी कर रही हो। तुम ऐरे गैरे नथू खैरे वगैरे पगैरे लगैरे झगैरे ये सब गिरगिट पैदा करने के लिए थोड़े मां बन रही हो। अपनी सोच को महान बनाओ। बालक को जन्म देने से पहले मां को अपनी सोच को दिव्य कर लेना चाहिए और गुरु से देवी देवता से यही मांगना चाहिए, मेरे द्वारा जो भी संतान हो, देशभक्त हो, गुरु भक्त हो, गौ भक्त हो और माता पिता की भी भक्त हो, ऐसी संतान का जन्म हो, एक हो या 10 हो, 10 हो या 100 हो कोई चिंता नहीं, अगर 100 बच्चे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र और गांधारी ने 100 पुत्र पैदा किए। आजकल की स्त्रियां तो बहुत कमजोर हैं, ये तो ऐसे लगता है रबड़ की पुतली है, ये तो एक ही बच्चा पैदा करने खुद मर जाती है, बच्चा भी खत्म। अरे स्ट्रांग मां बनो, 100-100 पुत्र हो, जरूरत पड़े कभी तो इस देश को 100 पुत्र भी दे सको। मक्के की रोटी और चने का साग खा करके ताकत बनाई है, जरूरत पड़ सकती है। कब? कोरोना जैसा वायरस आकर के सृष्टि का जब विनाश करेगा, सृष्टि में लोग बहुत कम हो जाएंगे, तो एक एक मां को अनेक अनेक संतान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्योंकि इस धरती की शोभा इंसान है, इंसान के बिना ये धरती नग्न है, बेकार है। याद रखना, ये वही जमीन है जो 3 दिन पहले पड़ी थी, यहाँ कोई रौनक नहीं थी और यहाँ पर आप जैसे नर नारी, हम जैसे संत आ गए, तो इसी जमीन पर जो बंजर जैसी दिख रही थी, उबड़ खाबड़ बेकार, आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो सारा इंसान का ही खेल है। घर कितना सुंदर बना हो, उसमें बच्चे ना हो तो घर सूना है, बहुएं ना हो तो घर सूना है। आश्रम कितना बड़ा हो, साधु सन्यासी गुरु शिष्य ना हो, भक्त घूम ना रहे हो, तो आश्रम भी सूना है। ये धरती सूनी हो जाती है।